नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की किसी भी भर्ती से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी हो सकता है। और आप किसी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा कौशल रोजगार निगम या फिर HSC HPSC किसी भी प्रकार की भर्ती से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करें साथियों, आपने कई बार सुना होगा कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, लेकिन यहां गेहूं के साथ घुन तो पिस ही रहा है और भी एक्स्ट्रा चीजें पिस रही हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये बात आपको भी समझ आ गई होगी कि ये सच्चाई है। CET जब से आया है तब से हरियाणा की भर्तियां रुकी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब CET से ग्रुप सी की भर्तियां रुकी हुई है, इसी CET के मुद्दे से फिर बड़ा मुद्दा होगा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का। अब सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जो मुद्दा है वो ग्रुप डी भर्ती पर भी इफेक्ट डाल रहा है, ग्रुप सी पर तो उसका बड़ा इफेक्ट हम कह सकते हैं कि भर्तियां ही नहीं हो रही। लेकिन एक ऐसी भर्ती जिनका CET से कोई लेना देना नहीं, फिर भी वो भर्ती पिसती हुई जा रही है, यानी कि अटकती हुई जा रही है, उसी भर्ती की हम चर्चा करते हैं, TGT भर्ती की। TGT वाले साथी लगातार प्रयासरत हैं, इन्होंने यात्रा शुरू की थी और अब वो यात्रा 5 मई को पंचकुला पहुंचेगी। तो सभी साथियों से अपील ये है कि 5 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचे और इन साथियों का साथ दे सकते हैं, चाहे वो 56-57 वाले साथी हों या फिर वो हरियाणा पुलिस वाले साथी हो या किसी भर्ती से रिलेटेड आप जुड़े हुए हो, तो JEE की भर्ती हो, फायर ऑपरेटर की भर्ती हो, कोई भी भर्ती हो सकती है साथियों आपकी, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे उतनी ज्यादा संख्या में समाधान की उम्मीद बढ़ती है। ये युवा प्रयास इसीलिए कर रहे हैं कि इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। 7471 पदों के ऊपर भर्ती आई, उसमें 2-3 कोर्ट केस हो रखे हैं, लेकिन उन कोर्ट केस का समाधान अभी तक नहीं निकला है। अभी ये कोर्ट केस ऐसा जी का जंजाल बने हुए हैं हरियाणा की भर्तियों का कि ना तो इनका सोल्यूशन हो रहा है, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है और युवा परेशान होते जा रहे हैं। ना वो युवा जिनका सिलेक्शन है, जिनको उम्मीद है कि इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, वो ना तो नई भर्ती की तैयारी कर पा रहे हैं और ना इस भर्ती में सिलेक्ट हो पा रहे हैं। इसीलिए आपको इन युवाओं का साथ देना चाहिए। जब भी ऐसी भर्तियों से रिलेटेड कोई मुद्दे उठाने की आवाज आती है तो डिजिटल फ्री शिक्षा चैनल आपके साथ लगातार इस मुहिम में खड़ा रहता है, आगे भी खड़ा रहेगा। भर्तियों से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।